लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। थाने जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने आज तुरभे नाका पर शिवसेना शाखा के नवीनीकृत कार्यालय का शुभारंभ किया। इसका नूतनीकरण स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी द्वारा कराया गया है। शिवसेना शाखा का उद्घाटन करते हुए नगर विकास एवं पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास जताया कि तुरभे इलाके में शिवसेना की ताकत और बढ़ेगी, जो महानगर पालिका चुनाव में जीत का जरिया बनेगी। देखिए रिपोर्ट। तुरभे अंबेडकर नगर इलाके का यही वो शिवसेना शाखा है जिसका आज पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों उद्घाटन किया गया। स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी द्वारा इस शाखा का नवीनीकरण कराया गया है। इसका उद्घाटन करते हुए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने विश्वास जताया कि नवीनीकृत शाखा के जरिए यहाँ कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक कार्यों के लिए अच्छा ठिकाना मिलेगा। वहीं स्थानीय लोगों को सेवा एवं सहायता देने और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने स्थानीय नेता सुरेश कुलकर्णी के प्रयासों की सराहना की और बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि आगामी महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना का ही भगवा लहरा कर रहेगा। आपण त्यांची गाराणी ऐकून घेतो आणि या ठिकाणी त्यांना न्याय देण्याचं काम करत असतो आणि म्हणून शाखांचं जाळं जे आहे आपलं या महाराष्ट्रामध्ये एवढं मजबूत आहे की कुठेही कधी कोणी आपला माणूस या महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यात गेला तरी सुद्धा त्याला तातडीने मदत होते हे असं आपलं एक नेटवर्क मोठं आदरणीय शिवसेना प्रमुखांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी निर्माण झालेलं आहे आणि म्हणून या शाखेमध्ये येणाऱ्या प्रत्येकाला आपण न्याय द्या। तो कुठल्याही जाती धर्माचा कुठल्या पक्षाचा आहे कुठला काय आहे हे न पाहता त्याची अडचण काय हे सोडवून द्या, अडचण समजून घ्या, त्याला न्याय देण्याचं काम करा आणि खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी जे शिवसेना प्रमुखांना अभिप्रेत आहे, धर्मवीर आनंदिके साहेबांना जे अभिप्रेत होतं ते आपल्याला या ठिकाणी करायचं आहे। वहीं तुरभे शाखा के उद्घाटन से उत्साहित स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि शाखा जर्जर अवस्था में थी, जिससे पार्टी के कार्यक्रम में बैठक के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए शाखा कार्यालय को पुनर्विकसित करने का फैसला लिया। उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए समय देने पर पालक मंत्री के प्रति आभार भी जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।